Welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक हेना पैक. हेना पैक कैसे यूज करना है और ये कैसे बनाना है, सो इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज, हेना बनाने के लिए फर्स्ट चाहिए हेना पाउडर. मैंने लिया है मयूरी हेना. ये मयूरी का हेना है. इसका कलर जो है नेचुरल बर्गंडी कलर है. इसका आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो. एंड गाइस, नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है लिकर टी. एंड गाइस, ये सब मिक्स करने के लिए चाहिए एक स्पून एंड लोहे का कढ़ाई. मैं लोहे का कढ़ाई में ही ये सब मिक्स करने वाली हूँ. गाइस, और एक बात, मैंने लोहे का कढ़ाई क्यों यूज़ किया मैं बोलूँगी ये बात, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. सो फर्स्ट गाइस, एक लोहे के कढ़ाई में ये हेना पाउडर मैं ले रही हूँ. ये मैंने लिया है मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग. आप लोगों को यही लेना है, आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना है. देन मैं हेना पाउडर को मिक्स करने के लिए मैंने जो लिक्वर बनाया है वही मैं डाल दूंगी इसके अंदर. मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ बिकॉज ये जो मिक्सचर है ना गाइज, ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए एंड गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ही मिक्स कर रही हूँ. गाइज, ये हेना पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है. हेना मिक्सर को मैं होल नहीं ट्रैक दूंगी बिकॉज ये मैंने लोहे का कढ़ाई यूज किया. इसमें लोहे का कढ़ाई के अंदर बहुत सारे गुडनेस है, ये हेना के अंदर चले आएगा. तो मैंने लोहे का कढ़ाई इसलिए यूज किया बिकॉज ये बहुत ही अच्छा है. मैंने जब भी हेना यूज करती हूँ मेरे हेयर में, तब भी मैंने ये लोहे का कढ़ाई यूज करती हूँ बिकॉज लोहे के अंदर बहुत सारे आयरन है. इसके अंदर बहुत सारे गुडनेस है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है. गाइस, होल नाइट ये हेना मिक्सर को रखने के बाद इसका जो कलर है चेंज हो गया है. इसका जो कलर है डार्क ब्राउन हो गया है और इसके अंदर आयरन का जो गुडनेस है वो भी चली आई है. देन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कर्ड. कर्ड हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है गाइस. कर्ड नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करती है हमारे हेयर में. देन मैंने लिया है एक बड़ा सा लेमन एंड हमें चाहिए 1 egg. फर्स्ट मैं इसके अंदर एक डाल दूंगी, ये है ना मिक्सर के अंदर मैंने डाल दिया है एक. देन मैं ऐड करूंगी कर्ड. कर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है एक स्पून की हेल्प से. मैंने कर्ड ऐड कर दूंगी. देन मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लेमन. लेमन को अच्छे से मैंने काट लिया है पीस पीस करके एंड लेमन का जो जूस है मैं इस हेना के अंदर डालूंगी. गाइस, आप जब हेना करती हो आपको लेमन ज़रूर यूज़ करना चाहिए बिकॉज लेमन हमारे हेयर को शाइन देती है एंड लेमन हमारे हेयर में जो डैंड्रफ है उसको भी रिमूव करने से हेल्प करती है. गाइस, आपको ये हेना पैक में ज़रूर लेमन यूज़ करना ही चाहिए. ये सब ऐड करने के बाद मैंने ये सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी. अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे. गाइस, हमारा जो हेना पैक है वो रेडी है. मैं ये हेना पैक को मेरे हेयर में अप्लाई कर लूंगी. गाइस, आपको ये हेना पैक लगाने के आगे शैम्पू कर लेना है. आपके हेयर में कोई भी ऑयल नहीं रहना चाहिए. मैंने शैम्पू अगले दिन ही कर लिया है. फर्स्ट हेयर को अच्छे से कोम्ब कर लेना है. मैंने कोम्ब करूंगी मेरे हेयर को अच्छे से एंड अच्छे से कोम्ब करना है. Oh,
हेना पैक को मेरे हेयर में 4 आवर्स रखने के बाद मैं वॉश कर लिया है अच्छे से। मैंने कोई भी शैम्पू वगैरह नहीं यूज़ किया, बिकॉज शैम्पू नहीं यूज़ करना है हेना करने के बाद, हेना करने के एक दिन बाद ही शैम्पू यूज़ करना है। गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं हेयर को ऑयलिंग कर लूँगी, अच्छे से ऑयलिंग करना है बिकॉज ये हेना पैक लगाने के बाद हमारे जो हेयर है बहुत ही ड्राई हो गया है, इसलिए मैं अच्छे से ऑयलिंग कर लूँगी। आप लोगों को ये ऑयलिंग करना ही चाहिए। गाइज और एक बात याद रखना, आप जब हेना पैक बनाते हो आप हेना पैक में कभी भी ऑयल नहीं डालना चाहिए, बिकॉज आप जब भी हेना पैक में ऑयल डालोगे हेना का जो नेचुरल कलर है वो तो नहीं आएगा और आपके हेयर में जो कलर है वो नहीं बैठेगा। इसलिए दोस्तों हेना पैक में कभी भी ऑयल नहीं डालना चाहिए। तो गाइज आप लोगों के साथ बात करते करते मैं ऑयलिंग कर लिया है, अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है मैंने हेयर में। गाइज ऑयलिंग तो कर लिया है, देन मैं अच्छे से मेरे हेयर को शैम्पू कर लूँगी। गाइज मैं शैम्पू भी कर लिया है एंड कंडीशनर भी अप्लाई कर लिया है, देन मैं हल्का सा सीरम लगाया है मेरे हेयर में। आप कोई भी सीरम लगा सकते हो, और आपके पास सीरम नहीं है तो आप हल्का सा ऑयल लेके, हल्का सा कोकोनट ऑयल और हल्का सा ऑलिव ऑयल, आपके पास जो भी है हल्का सा लेके, आप हल्का सा एक लाइट लेके आप हेयर में लेंथ में लगा सकते हो। इसमें भी सीरम का ही काम करेगा। और आप लोग देख सकते हो मेरे हेयर कितना मैनेजेबल है एंड कितना सॉफ्ट हो गया है मेरे हेयर, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो गाइज एक बार ये हेना पैक यूज़ करके देख लो। एंड गाइज एक बात याद रखना, आप मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाला है हेना पैक में आपको सेम ही डालना है, बिकॉज मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाला है बहुत ही हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोग रिजल्ट देख सकते हो। एंड गाइज आप मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट्स टोटली फ्री है गाइज। एंड सब्सक्राइब करके बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी बजा देना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा। Oh,